जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ी खबर सुनने को आ रही है जम्मू से, जो कि है जम्मू में जल्द ही 18 माह के जो डीए का भुगतान है वो पूरा कर दिया जाए चुनाव से पहले, वरना चुनाव का बहिष्कार हो सकता है और सीधा मोदी जी पे, उनकी गवर्नमेंट पे, यानी कि और चुनाव में जो भी पार्टीज हिस्सा लेने वाली हैं, पार्टिसिपेशन जिनका है उनके ऊपर ये सीधा एक बात इतनी बड़ी तानी गई है। और जो केंद्रीय अर्धसैनिक का बल कल्याण संघ ने प्रधानमंत्री से जो लंबित उनकी इतनी मांगे हैं उनको पूरा करने की अपील भी करी है, और जो जम्मू है यानी कि जम्मू से ये बड़ी खबर सुनने को आ रही है, केंद्रीय अर्धसैनिक उनकी जो भी मांगे हैं उन पर विचार करने के लिए उनको आग्रह किया है, उनसे कहा गया है कि उनकी जो मांगे हैं जो इतने लंबे टाइम से डीए के ऊपर चलती आ रही हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए, विचार किया जाए। और साथ ही में जो 18 महीने का जो डीए का भुगतान है अगर वो जल्दी से नहीं होता है तो 2024 के चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी मिली है, और देश के लिए बहुत बड़ी संकट की बात हो सकती है अगर सच में इस तरीके की चीज हो गई और बहिष्कार करने की चेतावनी मिली है। अगर ये सच में हो गया तो बहुत दिक्कतें सामने आ सकती हैं सभी देशवासियों को और गवर्नमेंट को तो खास करके। और संघ के जो अध्यक्ष अशोक कुमार हैं उन्होंने गांधीनगर में एक आयोजित प्रेस वार्ता में वेतन आयोग की सलाह को लागू करने के लिए कहा है, और इसमें ही 3.68 यानी कि 3.68 जो फिटमेंट फैक्टर है उसका सुझाव भी दिया है, और 18 महीने का जो डीए का बकाया भुगतान है वो सुनिश्चित है और इसे जल्दी दिया जाए, शीघ्र दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 18 महीने के पहले ये डीए का भुगतान जल्दी नहीं किया गया तो 2024 के जो चुनाव है ना वो अब सरकार ही जाने वो किस तरीके से हैंडल करेगी, और इसमें ही जो लाखों कर्मचारी हैं वो लाभान्वित होंगे। इस मौके पर 23 दिसंबर 2012 के भारत सरकार के आदेश का हवाला देते हुए BSF, CRPF, CISF और ITBP के जो CAPF कर्मियों को पूर्व सैनिक घोषित करने के लिए CCS के जो भी मंजूरी है उन पर प्रकाश भी डाला गया है। उन्होंने सरकार से वन रैंक वन पेंशन कार्यान्वयन के लिए BSF, CRPF और जितने मैंने अभी आपको रैंक्स बताई हैं उनको और असम राइफल्स की सामूहिक मांग का समाधान करने का आग्रह किया है। देश पर बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं अगर सरकार उनकी ये मांग नहीं सुनती है, और फैसला इस चीज का, इस खबर का जो इतनी बड़ी खबर है जम्मू से भी आ रही है, आप लोग करेंगे कि आप उस खबर के साथ में हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी चेतावनी सरकार को दी है कि इस तरीके की चीज अब हो सकती है, और वो इतना बड़ा उन्होंने चेतावनी दी है 2024 के इलेक्शन को कि वो बहिष्कार करेंगे। देश पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है इस तरीके से, इस तरीके की चेतावनियों से छोटी मोटी खबर नहीं है ये। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग इस चीज का साथ देंगे या नहीं देंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उन्होंने जो अर्धसैनिक बलों के जो भी अंदर भीतर जो भी विभिन्न रैंकों के लिए विशिष्ट पेंशन का भी अनुरोध किया है, यानी कि जितनी भी रैंक्स हैं उनकी जो पेंशन है उनका भी उन्होंने अनुरोध किया है, और जिसमें विभिन्न वर्षों की सेवा के लिए मूल पेंशन राशि भी शामिल है। इस मौके पर हरिंदर महाजन मुख्य सलाहकार जो है एस सिंह और मदन लाल भी मौजूद रहे हैं, जाना माना नाम है, आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे, आप सब इस नाम को जानते होंगे, वो भी उस टाइम पे शामिल थे और उन्होंने भी कोई आवाज एज सच उठाई नहीं है, वो भी यानी कि अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो वो भी उस चीज में शामिल हैं, वो भी उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं अगर उन्होंने उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है तो। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं पास करिए चुप रहकर ही वो उस चीज को देख रहे हैं, यानी कि वो उस चीज के सपोर्ट में कहीं ना कहीं है। अब आप सैनिक, आप लोग इस चीज के साथ में हैं, सपोर्ट में हैं या नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जम्मू से ये खबर अभी हाल ही में ही सुनने को आई है कि इस तरीके की 18 महीने का जो उनका डीए है यानी कि महंगाई भत्ता जो है उनका वो पूरा ऐसे नहीं हुआ तो वो 2024 के इलेक्शंस में बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट जो है कर सकती है वो चीज। अब इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज सुनने को हमें आई है। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से, धन्यवाद।